पाकिस्तान ने ईरान के ऊपर अब हमला किया है। पाकिस्तान ने ईरान में एयर स्ट्राइक्स कंडक्ट की हैं। तो ये किस कदर खतरनाक है हमारे लिए बतौर कौम। कहा गया है कि अब पाकिस्तान को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, अब पाकिस्तान के खिलाफ हम जंग का ऐलान करते हैं। दहशत गर्द तो सारे पाकिस्तान में पैदा हुए हैं, ये तो बात पक्की है। 100% फतवे लगा सकते हैं, ये कर कुछ नहीं सकते, टीवी पे बैठ के सिर्फ बयान दे सकते हैं। ईरान ने जो पाकिस्तान पर हमला किया, इमेजिन करें दो मुल्क हैं दुनिया के जो पूरी तरह पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं कि आप ईरान पर हमला कर दें, एक भारत एक इसराइल। कैन यू इमेजिन दिस। ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर बोला कि कोई रिग्रेट्स नहीं है, कोई हेजिटेशन नहीं होगी ईरानी कौमी सलामती को प्रोटेक्ट करने कि भारत के हवाले से जो हम बात अभी कर रहे थे कि जो मुलाकात हुई भारतीय वजीर खारजा की ईरानी वजीर खारजा से, तो कहीं इसका नतीजा उसका शाकसाना तो नहीं। इंडिया वो मुल्क है कि जो इस वक्त पूरी दुनिया में सबके साथ ताल्लुकात बेहतर होने और अपने एक स्टेटस की बिना पर वो फैसले करवा सकता है। तो मुसालेहाना क्या होता है भाई, हमारे घर में घुस के हमला किया है, मिसाइल मारे हैं, हमारे गांव को बर्बाद किया है। कि ये जो हमला ईरान की जानिब से बैलिस्टिक मिसाइल्स के जरिए किया गया है वो भारतीय वजीर खारजा के ईरान के हालिया दौरे के चंद दिनों के अंदर किया गया है। 90 किलोमीटर पाकिस्तान की सरहद के अंदर मिसाइल से अटैक, ड्रोन से अटैक। राम मंदिर, वो 22 जनवरी को राम मंदिर खोलने वाले, इसके बाद पूरे 2-3 महीने के बाद इलेक्शन है वहां पे, उसके लिए योगी और मोदी की लड़ाई हो रही है। योगी जो है कतलेआम करना चाहता है, मोदी पाकिस्तान पर हमला करना चाहता है। वो पाकिस्तान और आजाद कश्मीर में हमला करने के लिए पूरी मिलिट्री तैयारी कर चुके हैं, किसी लम्हे दाखिल हो सकते हैं। और इसीलिए आप पाकिस्तानी रियासत को फैसला करने दें कि वो ईरान के साथ किस तरह मामला करता है। ये प्रेशर ना बिल्ड करें कि जंग शुरू करवा दो फौरन इसी वक्त पाकिस्तान, क्योंकि हमें कोई इस वक्त इंडिया में इलेक्शंस आने वाले हैं, हमें अच्छी तरह मालूम है किसी भी वक्त इंडिया के अंदर एक फॉल्स फ्लैग करके राम मंदिर, वो 22 जनवरी को राम मंदिर खोलने वाले, इसके बाद पूरे 2-3 महीने के बाद इलेक्शंस है वहां पे, उसके लिए योगी और मोदी की लड़ाई हो रही है। योगी जो है कतलेआम करना चाहता है, मोदी पाकिस्तान पर हमला करना चाहता है। वो पाकिस्तान और आजाद कश्मीर में हमला करने के लिए पूरी मिलिट्री तैयारी कर चुके हैं, किसी लम्हे दाखिल हो सकते हैं। पाकिस्तान को मालूम है ये बात, रेड अलर्ट है पाकिस्तान में इस हवाले से कि इंडिया इलेक्शन से पहले कोई फॉल्स फ्लैग करके एडवेंचर करेगा। ऐसे में कोई पागल होगा पाकिस्तानी जो ये कहेगा कि हम अफगानिस्तान पर हमला कर दें या ईरान पर हमला कर दें। तो जरा होश में आए, ये तमाम सोशल मीडिया कैंपेन बिल्ड करने वाले वो लोग, आपको उनके पीछे इंडियन बैक लॉबी नजर आएगी, इसराइली लॉबी नजर आएगी, CIA की लॉबी नजर आएगी और बदनसीबी से PTI की लॉबी नजर आएगी। ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान को इस वक्त खुदकुशी करवाना चाहते हैं। जैसे कहा कि बलूचिस्तान 44% पाकिस्तान है, हमारी वहां सिर्फ एक कोर है, पूरे बलूचिस्तान में एक कोर है हमारी और वो फैली हुई है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के खिलाफ ऑपरेशन के लिए पूरे बलूचिस्तान के अंदर। आप उसको निकाल के अगर ईरान की सरहद पे लगा देते हैं तो पूरे बलूचिस्तान के अंदर जो BLA को फ्री रन मिलेगा तबाही मचाने के लिए, उसका कौन जिम्मेदार होगा? और फिर पाकिस्तान को क्या फायदा है ईरान के खिलाफ जंग करने का? ईरान से हिमाकत हुई है, ईरान ने जहालत की है, लेकिन वही बात मैं मार्जिन उनको यह दूंगा कि उनके अंदर कॉम्प्रोमाइज एलिमेंट्स है, उनके अंदर गद्दार है जिन्होंने खुद ईरानी रियासत को नुकसान पहुंचाया इस तरह का काम करके। अब वो जो मर्जी इसको डिफेंड करते हैं कि जी हमने तो इसराइली ग्रुप को मारा, तो जैश अदल को मारा, तो फला, आपको हक नहीं है पाकिस्तान के अंदर मारने का। आपको प्रॉब्लम है, आप पाकिस्तान से बात करें, पाकिस्तान ऑपरेशन करेगा अपने इलाके में, क्योंकि आपको प्रॉब्लम होगी अगर हम अंदर जाके मारे तो, क्योंकि BLA भी तो वही है ना, इंडिया भी तो वही बैठा हुआ है, हम चाबहार को उड़ा देते हैं जाके, क्योंकि कुलभूषण यादव सारा वहीं से चाबहार से आता है, फिर आपको तसल्ली हो जाएगी। हम भी ये जवाब दे सकते हैं उनको, लेकिन इसका फायदा किसको होगा? इसका फायदा इंडियंस को होगा, इसका फायदा इसराइलीज को होगा। ईरान और पाकिस्तान उलझ गए तो ना ईरान का तो कुछ बचेगा नहीं, ईरान हमारे लिए कोई थ्रेट नहीं है, कोई इतना वो बेशक फूफा करते रहे दुनिया में, लेकिन अल्लाह के फजल से पाकिस्तान के लिए वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर हमें कोई फायदा नहीं है ईरान को तबाह करने का। हम क्या करें? तेहरान को फ्लैट कर दें, मशहद को जमीन के बराबर बुलडोज कर दें, गजा की तरह बना दें, जाहिदान को हम फलस्तीन बना दें, क्या करें जाके वहां? जाहिर है कि हमें कोई जरूरत नहीं है ये सब कुछ करने की। अच्छा, अब ये बात कही जा रही थी कि पाकिस्तान के लिए इस वक्त इसका जवाब देना बहुत जरूरी हो गया, वो क्यों कही जा रही थी? वो इसलिए कही जा रही थी कि अगर पाकिस्तान इसका जवाब नहीं देता तो फिर उसके बाद अगर कोई और हमला हो जाता है तो क्या करेंगे? हो सकता है ईरान कुछ घंटों के बाद, कुछ दिनों के बाद एक और हमला करता है, फिर आप क्या करेंगे? उसमें एक चीज और ये भी कही जा रही थी कि फिर अगर पाकिस्तान जवाब नहीं देता तो इसको पाकिस्तान को सीरिया और इजिप्ट की तरह लिया जाएगा, कि जिस तरह ईरान वहां पर शाम में, सीरिया में, इजिप्ट में जो है वो हमले कर रहा है, उसी तरह पाकिस्तान में भी कर दिया। वैसे तो खैर जो इकोनॉमी की सिचुएशन है, जो पासपोर्ट की सूरत हाल है, वो उन्हीं उसमें लिस्ट में जो है नाम आ रहा है बॉटम पर, वो नहीं है, लेकिन ये बात अपनी जगह पर है कि अगर ईरान ने वहां पर हमले किए हैं, जाहिर है कि
पाकिस्तान पे अगर हमला होता है तो कहा जाएगा कि ये तो भाई ये क्या है, ये तो नाक कटवा दी। अच्छा, जिस वक्त ईरान की तरफ से एयर स्ट्राइक्स कंडक्ट की गई थी तो पाकिस्तान के जो मीडिया और सोशल मीडिया था उसके ऊपर उसी वक्त सवालात खड़े होने शुरू हो गए। आपको पता है अवाम तो कितनी जज्बाती, उसने कहा ये क्या हो गया, ये तो जवाब ही नहीं दे सकते, ये हो रहा है। फिर जो है वो चुप करके बैठ जाएंगे, जैसे कि इंडिया की तरफ से मियां चुन्नू से जो है वो क्या मिसाइल आके गिरा था तो वो दो दिन के बाद पता चला था, है जी। और फिर आपको पता है इस तरह की और चीजें होती रही, तो कहा कि अच्छा ठीक है तो फिर आप क्या हमला कर दें हम, मतलब फिर यही कहा जाएगा। लेकिन ये मामला दूसरा है, ये सिचुएशन वो थी जिस पर लग रहा था कि ये जवाब दिया जाएगा, जवाब दे दिया गया। लेकिन इसमें सबसे अहम जो सूरत हाल है कि अब क्या होगा, क्या मीडिएशन के लिए कोई सामने आएगा? लेकिन अगर कोई मीडिएट करवा सकता तो चाइना तो इसमें पहले ही फेल हो चुका, क्योंकि चाइना के मीडिएशन फेलियर के बाद ही पाकिस्तान ने ये स्ट्राइक्स किए। अगर चाइना दरमियान में आया था या अमेरिका स्टेप इन किया था, जैसे कि उनकी स्टेटमेंट सामने आ रही थी, तो अगर वो रोक पाते पाकिस्तान को तो फिर वो रोक सकते थे, लेकिन इसका मतलब है कि वो नहीं हो सका। अच्छा, वो होना बड़ा मुश्किल था क्योंकि चाइना ने जो जवाब दिया था वो पाकिस्तान का भरपूर उसने साथ वैसी स्टेटमेंट नहीं आई थी। हाँ, अमेरिका की तरफ से स्टेटमेंट आई थी, लेकिन अमेरिका का जो ताल्लुक है ईरान के साथ तो वो कैसे मिली है? देखिए, मीडिएशन करवाने के लिए, दरमियान में पड़ने के लिए ऐसा कंट्री ही करवा सकता है दुनिया भर में बीच में सुलह सफाई के, जो जिसके रिलेशंस सबसे अच्छे हों, जैसा कि हम कहते हैं इंडिया। अब जो डॉक्टर जयशंकर ने दो तीन दिन पहले ये बात कही कि हमसे पूछे बगैर जो है कुछ होता नहीं है, हमें हर चीज में जो है वो हर बड़ा फैसला जो है वो हमसे हमारी सलाह ली जाती है। जैसे कि अभी आपको पता है कि जो हुती स्पेस स्ट्राइक्स हुई है उससे पहले भी उनको फोन आया और सारा होता रहा, वो सब ठीक है, अपनी जगह पर है। लेकिन इसमें क्या इंडिया आएगा अगर कोई ये जंग बढ़ती है? अगर इन स्ट्राइक के बाद ईरान दोबारा से कोई स्ट्राइक्स करता है तो उसके बाद पाकिस्तान तो फिर उसका भी जवाब देगा। तो इस अगर ये सिचुएशन यहां तक एस्केलेट होती है और चाइना भी नहीं करवा पा रहा है, इसको रोक पा रहा, और जो अमेरिका है वो भी जो है वो क्या कर सकता है इसमें, जबकि ईरान जो है वो ऑलरेडी हुतीस जो है वो हमले कर रहे हैं अमेरिका के ही उसके शिप्स पर, तो फिर इसमें इंडिया वो मुल्क है कि जो इस वक्त पूरी दुनिया में सबके साथ ताल्लुकात बेहतर होने और अपने एक स्टेटस की बिना पर वो फैसले करवा सकता है। लेकिन अब इंडिया के पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात ऐसे हैं कि वो इसमें क्यों दाखिल होगा, ये बताएं वो इसमें क्यों शामिल होगा, मतलब उसका। और फिर ये कि क्या, हालांकि इंडिया की बात ईरान भी मानेगा कि भारत के हवाले से जो हम बात अभी कर रहे थे कि जो मुलाकात हुई भारतीय वजीर खारजा की ईरानी वजीर खारजा से, तो कहीं इसका नतीजा उसका शाकसाना तो नहीं, तो ये आपको उसी की कड़ी तो नहीं दिखाई देती? क्योंकि भारत तो बाज नहीं आता और भारत शोशे छोड़ने में आगे आगे होता है पाकिस्तान के खिलाफ। मैं समझता हूँ आपका बहुत गौरतलब और अहम सवाल है, तो ये बात यकीनन एक तसलसल से आपको नजर आती है। और ये बिल्कुल ये बात भी काबिल गौर है कि ये जो हमला ईरान की जानिब से बैलिस्टिक मिसाइल्स के जरिए किया गया है वो भारतीय वजीर खारजा के ईरान के हालिया दौरे के चंद दिनों के अंदर किया गया है।